जंगली पेड़ों को भी हमें जानना चाहिए। जितने भी पेड़ पौधे हम एग्रीकल्चर में, हॉर्टिकल्चर में, हर्बल गार्डन में, बोटैनिकल गार्डन में उगाते हैं, उनका कहीं ना कहीं जो ओरिजिन है वो जंगल ही होता है। और आज भी हम किसी पेड़ पौधे की बात करें तो जंगली रिश्तेदार जो है वो आपको जंगल में ही मिलते हैं। इसलिए फॉरेस्ट को कंजर्व करना बहुत जरूरी है। और ये दरख्त जो हम देख रहे हैं जिसमें फूल निकल चुके हैं और पुराने टाइम के जो इसके फल हैं, फल पिछले साल के फल भी इसमें हैं और उसमें से सीड भी निकल रहे हैं, तो इसको गांव में डोगरी जुबान में हम बात करें तो कोगड़ कहते हैं, लेकिन जो हिंदी के लोग हैं या आयुर्वेदा के लोग जो हैं वो इसको कुटज कहते हैं और कुछ लोग इसको इंद्रजौ भी कहते हैं, जंगली इंद्रजौ या कुटज। और ये जो सफ़ेद फूल होने से जो हमारा हाथी है, हाथी हमारा नेशनल हेरिटेज एनिमल है, गजराज भी हम कहते हैं और काफ़ी ज़्यादा श्रद्धा से हम उसका भी पूजा करते हैं हाथी की, तो हाथी के जो बहुत ज़्यादा खराबी हुई, हाथी की पॉपुलेशन कम हुई, उसमें हाथी के दांतों को भी एक माना जाता है कि उसी के जो तस्कर हैं, उसके जो लालची लोग हैं, उसके हाथी के दांत की आइवरी जो निकलती है उसके लिए हाथियों को मारा जाता है। तो चूंकि उसका कलर भी सफ़ेद होता है और इस फूल में एक खुशबू भी है, खुशबू भी प्लेजेंट स्मेलिंग है, और वाइट कलर होने से इसको अंग्रेजों ने एक और नाम दिया, आइवरी ट्री। तो आइवरी ट्री इसको कहो या कुटेज कहो या इंद्रजौ कहो या डोगरी में इसको कोगड़ कहो। वनस्पति शास्त्र में आयुर्वेदा से ही उन्होंने क्लू लिया और इसका नाम दिया होले रहना एंटी डायसेंट्रिका, और एंटी डायसेंट्रिका जो स्पीशीज का नाम है उसी में इसका गुण भी छुपा हुआ है। डायसेंट्री के अगेंस्ट वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन जो है वो आयुर्वेदा वाले इसके सीड से बनाते हैं। तो इसका जो बीज है वो इतना मेडिसिनल है कि इसके स्पीशीज का नाम भी जो टैक्सोनॉमी में नाम देते वक्त उनको एंटी डायसेंट्री का ही सूझा कि होले रहना एंटी डायसेंट्री का। तो इसीलिए इसको अंग्रेजों ने एक और नाम भी दिया, डायसेंट्री बे भी इसका नाम है, बी ए वाई। और ये जो प्लांट है इसकी खास पहचान क्या है, अगर आप देखेंगे इसके ये बालों वाले जो इसके बीज हैं, तो ये जो इसके बालों का मतलब इसको ये मदद करते हैं डिस्पर्सल में, तो एक बीज जो है हवा से उड़ के इधर उधर जाएगा तो वहां पे भी जर्मिनेट हो सकता है। तो सीड डिस्पर्सल मैकेनिज्म के लिए ये पैपस है इसके बीज के ऊपर। लेकिन ये जो बीज है थोड़ा सा अगर आप अपनी यादाश्त को दौड़ाएं तो एक जो लाल कनेर है नीरियम इंडिकम हमारे कौमी शहरा में हाईवे पे लगाया हुआ है और लाल लाल फूल होते हैं और डोगरी में उसको लाल गंडी राजा लाल गंडीला भी बोलते हैं, उसके सीड भी ऐसे ही होते हैं। तो ये एक टाइम था इसको नीरियम में भी रखा गया था, मैंने उसी की स्पीशीज, फिर इसकी कुछ अलग करेक्टर्स लक्षण होने से इसको अलग जाति में होले रहना में रखा गया, और अभी कुछ लोग इसको राइटिया में भी रख रहे हैं कि राइटिया आर्बोरिया करके भी इसको पुकारते हैं। लेकिन ये इतना इम्पॉर्टेंट फॉरेस्ट मेडिसिनल ट्री है और एट द सेम टाइम इसकी जो फ्लावरिंग है उसके हवाले से इट इज़ ऑल्सो वाइल्ड ऑर्नामेंटल ट्री विच इज़ रिकमेंडेड, विच कैन बी रिकमेंडेड फॉर द फ्लोरिकल्चर गार्डन्स, पार्क्स, स्कूल कॉलेजेस में जो हर्बल गार्डन्स हैं, क्योंकि मेडिसिनल इम्पॉर्टेंस भी इसकी है। और ये प्लांट जो है इस साल चूंकि हमारा थीम भी यही है, अवर बायोडाइवर्सिटी, अवर फूड्स, अवर हेल्थ, उस हवाले से मैं ये बीइंग डायरेक्टर स्टेट फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड का मेम्बर सेक्रेटरी होने के नाते भी मैं ये सभी पेड़ पौधों के जो प्रेमी हैं या पेड़ पौधे जो नर्सरीज बनाते हैं पौधशाला, उन सब से आग्रह करता हूं, आह्वान करता हूं कि अपनी नर्सरी में कोगड़ को, कुटज को, डायसेंट्री बे को या आइवरी ट्री को, इसको भी आप शामिल करिए। और नर्सरी में इसके सीड जो अभी पक चुके हैं आप जंगल से कलेक्ट कर सकते हैं और उनको सोइंग करके इसके और ज़्यादा से ज़्यादा पौधे बना के इसको ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन करनी चाहिए, ताकि ये पेड़ जो है इसकी अपनी जो गुणवत्ता है, चाहे वो आयुर्वेदिक है मेडिसिनल या इसका डेकोरेटिव फ्लोरिकल्चरल वैल्यू है, उसके हवाले से ये पेड़ जो है ज़्यादा से ज़्यादा रोपित हो और बच्चों को जो नई जनरेशन है उनको भी रूबरू होने का मौका भी मिले और हम इसकी कंजर्वेशन में भी योगदान दे सकें।